क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर की श्रृंखला में जी हाँ मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर आपको बता रहा हूं, इसी में से 100% आपके चांस रहेंगे फंसने के। चलिए शुरू करते हैं। पहले में आपका उपयुक्त सभी आ जाएगा, उपयुक्त दोनों सॉरी, ठीक है। पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता तन्यता हो जाएगी, यहाँ से पीयूष ग्रंथि भर जाएगा। चौथे में आपका हिपेटाइटिस आ जाएगा। पांचवे के अंतर्गत या तो समतल या उत्तल आ जाएगा। छठे में आपका उत्तल आ जाएगा। ये आपका देख सकते हैं, बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको। हमारे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो इसलिए हम जल्दी जल्दी यहाँ पर पूरी चीज़ें मैंने भर दी है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो देखेंगे तो जोड़ी, ये भी मैंने भर दी है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ से जोड़ी हो जाएगी। अब एक वाक्य में उत्तर, तो पहले का उच्छेपन, दूसरे में आपका सोना, तीसरे में ऑक्सीजन, चौथे में अंडाशय, पांचवे में लिंगुन सूत्र और छठे में जाएगा आपका एप इक्वल आर बाई टू। यार ये आपके सत्य सत्य बढ़िया से कंप्लीट कर लोगे आप, है ना। इसके बाद में यहाँ पर है, ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करो भैया, है ना। आप तो यहाँ से देखो, आप एक महत्वपूर्ण सूचना आपको बता, इस तरह आपको इसको इंस्टॉल करना है ना, और इस पर ये अपना चैनल है, ये है ना, इसको फॉलो कर लीजिएगा। अब इशारा समझदार, समझदार आदमी इशारा काफ़ी है ना। चलिए अब समझो तो समझ जाओ, कोई बात नहीं। अब घटन या वियोजन से आप क्या समझते हैं? श्वसन को ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? हो गया भैया, ये यहाँ से जाएगा। संचारण को परिभाषित कीजिएगा। धातुओं के दो भौतिक गुण 100% आ रहे हैं भैया, बार बार कह रहा हूँ, जिनको भरोसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मत करो, जिनको है कर लो, ठीक है। मैंने आपको चार पेपर दिए, ए बी सी डी, बस चार ही में से आएगा, ये करने की जरूरत नहीं है, आपकी बार चार ही में से खत्म करो पूरा। ऋतु स्त्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं? स्वपरागण और परपरागण में अंतर मिलान कर लो, ये आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो कर लो कंप्लीट। एक गोली दर्पण की वक्रता दिख जाओगे। आवर्धन किसे कहते हैं? हो गया क्वेश्चन नंबर 12 है, गोली दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित करना है। उत्तल दर्पण का उपयोग विद्युत परिपथ में उपयोगी कोई चार अवयवों के प्रति और प्रतीकों प्रतीक बताइएगा। विद्युत विभव किसे कहते हैं? इसका मात्रक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण लिखिएगा। गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए। विद्युत चुंबक क्या होती है? विद्युत धारा के परिपथों में उपयोग लाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? जैव और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं? उपभोक्ता किन्हें कहते हैं? उदाहरण सहित आपको बताना है। समावयी और समावयवता से आप क्या समझते हैं? योग्या है। हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग समझाइएगा। संयोजन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित, ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका देख सकते हैं। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो ध्यान से, व्याख्या कीजिए। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? मानव नेत्र का नामांकित चित्र आपको बताना है। हो गया भैया, इसके बाद में लवण किसे कहते हैं? ये हो गया है। किन्हीं चार लवणों के नाम और सूत्र आपको बताना है। हो गया भैया, साइक्लोपेंटेन का सूत्र इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? सल्फर के 8 परमाणुओं से बने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है आपको। श्वसन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बताना है। तो ये तो पेपर हो गया पूरा, है ना। चलिए ठीक है, सॉल्यूशन आपको यदि आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैं अभी दे रहा हूँ। उनमें जो क्वेश्चन नहीं आते उनका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, है ना। चलिए तो यहाँ से देखिए, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? हो गया इतना ये। इसके बाद में ये हो जाएगा, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ये संचारण को परिभाषित कीजिए। संचारण के सुरक्षा के दो तरीके बताने हैं। यहाँ से देख सकते हैं, यसद लेपन और क्रोमियम लेपन। हो गया। इसके बाद में धातुओं के भौतिक गुण लिखिएगा। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? इतना हो गया ये। इसके बाद में मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिएगा, यहाँ क्यों आवश्यक है। ऋतु श्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं? हो गया। स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताना है, ये हो गया इतना। ये प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? यहां से देख सकते हैं, गुणसूत्र किसे कहते हैं? एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर की, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? योग्य इतना। यहाँ से देख सकते हैं, आवर्धन, आवर्धन किसे कहते हैं? ये रेखीय आवर्धन है, ठीक है। कोई पूछ ले रेखीय आवर्धन किसे कहते, तो यही है।
गोली दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण के उपयोग, जल्दी देखते जाओ फटाफट। अरे यार तू क्यों फालतू टाइम बर्बाद कर रहा, और ये यहाँ से देखो परिपथ के चार अवयव, इतना हो गया। ये विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिएगा, विद्युत चुंबक क्या होती है, विद्युत धारा परिपथों को उपयोग में आते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, जीव और अजीव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, उदाहरण दीजिएगा। यहाँ से उपभोक्ता किन्हें कहते हैं, ठीक है, समावयवी और समावयवता से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग, संयोजन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया को समझाइएगा उदाहरण सहित। ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर हो गया। तीन हार्मोन्स में प्रत्येक का कार्य लिखिएगा निम्न हार्मोन्स में से, वृद्धि हार्मोन से टेस्टोस्टेरोन, इतना। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, व्याख्या कीजिए ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत हो दिखाई देता है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बताना है, लवण किसे कहते हैं, किन्हीं चार लवणों के नाम एवं सूत्र लिखिए, ये हो गया। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तनों में क्यों रखा जाना चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया समीकरण हो गया। ये साइक्लोपेंटेन की बिंदु संरचना, ये हो गया इतना भैया। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं तो सल्फर के 8 परमाणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये मानव शोषण।